मैं आपको बहेड़े के बारे में बता रहा हूँ। बहेड़े का भी वीडियो भी दिखाया गया आपको, बहेड़े का पत्ता कैसा होता है, उसकी फल कैसे होते हैं, उसके बारे में विस्तार बता रहा हूँ। बहेड़े का पेड़ 50 से 60 फीट तक, 80 फीट तक ऊंचा हो जाता है। यह विशाल वृक्ष होता है। त्रिफला का मुख्य योग है। त्रिफला में बहेड़ा डाला जाता है। यह बहेड़ा, जिसे टर्मिनेलिया बेलेरिका कहा जाता है, इसका बॉटनिकल नेम यही है। इस तरह से बहेड़े का फल होता है। ये आज आपको वहाँ के बगीचे में लाए हैं जहाँ बहेड़ा रोपा गया है। आपको हम दिखाते हैं बहेड़ा किस तरह से फला हुआ है। ये देखिए आप, बहेड़े की पत्ती है। बहेड़े की पत्ती महुआ की पत्ती जैसी ही होती है। इसको हम थोड़ा, एक पत्ती आपको तोड़कर दिखाते हैं। देखिए ये बाहर से इसका ऊपरी आवरण बहुत गहरा हरा होता है, लेकिन नीचे की तरफ हल्की सफ़ेदी ली होती है। ये रोमस नहीं होती, बिल्कुल क्लीन होती है। इसकी पंखुड़ी यहाँ से लगी होती है, महुआ टूटता है। महुए में दूध आता है, इसमें दूध नहीं आता है। इसकी ये अलग पहचान है। इसकी छाल भूधर होती है और इसमें सीसलिकाएँ कम छूटती हैं। जिस प्रकार से नीम की सलिकाएँ छूटती हैं, उस प्रकार की सलिकाएँ नहीं छूटती हैं। इसकी ये लगभग लगभग साफ होता है। इसमें सलक बहुत कम निकलते हैं, बहुत थोड़ी बहुत सलिकाएँ छूटती हैं। ये प्रायः साफ होता है। मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है। इमारती वृक्ष में यह उपयोग नहीं होता है, इमारती में इसका काम नहीं लिया जाता है। इसको कंपनियाँ चूर्ण बनाने के लिए प्रायः पूरे फल को इस तरह से डाल देती हैं। इसके पूरे फल का उपयोग नहीं होता है। इसके जब ये सूख जाता है, इसको तोड़ते हैं तो इसका छिलका अलग हो जाता है और इसका बीज अलग हो जाता है। उसके छिलके का ही उपयोग किया जाता है, इसके बीज का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका बीज खाने से कभी कभी जलन सी महसूस होती है, इसके बीज का उपयोग नहीं करते हैं, इसके छिलके का ही उपयोग करते हैं। इसका छिलका उदर को ठीक करता है, भूख बढ़ाता है, कफ को ख़त्म करता है, चिपकी हुई कफ को हटा देता है। इसके छिलके के पाउडर को मध से हम खाते हैं तो जो चिपकी हुई कफ होती है फेफड़ों में, श्वास नली में, उसको ये निकाल देता है।